उन्हें औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, तो वो बात है ना कि आप दूसरों से सुन के राय बना लेते हो, अच्छा नहीं है, वो यूं है, जरूरी है मिलना। भैया फूल किसके लिए, किसके लिए है जी? मीरा के लिए। मीरा के लिए था। आए देर किस चीज की है? अच्छा अब आपकी मीरा के साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश है क्या? हाँ, मुझे फोन लेकर आई है ना मोबाइल, उसका मतलब ये उसे सेल्फी लेनी है आपके साथ। चल एक सेल्फी आप लेंगी, मीरा को लेने दीजिए ताकि वो अपने अंदाज से आपके साथ सेल्फी जो है वो लें। मीरा क्या सेल्फी स्टाइल है। मीरा वैसे कितनी सेल्फी लवर हैं आप, कितनी सेल्फीज बनाती हैं और अपलोड करती हैं? सेल्फी अगर कोई कहे तो मैं मना नहीं करती। और सोशल मीडिया पे कितना क्रेजी है आपके, बड़े अकाउंट्स होने चाहिए, बड़े फॉलोअर्स होने चाहिए, बड़ी रोजाना चीजें अपलोड होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मेरा इंस्टाग्राम का मेरा पेज है, मेरा फेसबुक पेज है मीरा जी ऑफिशियल वन, और मेरा ट्विटर पेज एक महीने से हैक हो चुका है और उसका पासवर्ड या कहीं गुम हो चुका है या किसी ने हैक कर लिया है। तो मतलब हमें उस ट्विटर अकाउंट से भी बड़ी खतरनाक ट्वीट से कुछ दिनों में मिलने वाली है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। एक महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ उसको रिकवर करें। जो स्पेशलिस्ट हैं, जो ट्विटर के और आईटी के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ओके, अच्छा आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो स्क्रिप्ट राइटर बन सकूं जो शायद जिंदगी में कभी मीरा के ऊपर कुछ लिख सके। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बन गई तो वो मेरी फिल्म नहीं बनेगी, बिकॉज उसके लिए वो जो उसके जो मोमेंट्स हैं स्पेशल, वो आप इस तरह बयान नहीं कर सकते। ओके, लाइफ आज हम फिल्म के बारे में बात करेंगे, इन बिट्स के क्या क्या कुछ जो है वो है और क्या क्या कुछ कैसे है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद स्टे विद अस बिकॉज मीरा इज हियर। सदाबहार गीत, ऑल टाइम फेवरेट। मीरा जी आपको कैसे गाने अच्छे लगते हैं, ऐसे सैड या फिर जरा धूम धमाके वाले? इस तरह के गाने अच्छे लगते हैं। रोमांटिक, रोमांटिक सैड। अच्छा म्यूजिक, और बहुत ज्यादा जिसमें म्यूजिक हो, डांसिंग नंबर्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। नहीं लगते? अरे हालांकि मीरा जो है वो इतना अच्छा डांस करती है, स्क्रीन पे हम देखें तो हमें लगता है कि मीरा इतनी फन लवर, आउटगोइंग होंगी, लेकिन उदास गाने, स्लो नंबर्स मीरा को पसंद है। हाँ, मुझे स्लो नंबर्स, जैसे इन्होंने ये बहुत अच्छा गाना गाया और गाना भी बहुत इन्होंने चुनकर बहुत अच्छा गाना। अच्छा, लेकिन मीरा भी मेरे दिल के भी बहुत करीब है ये गाना। वाओ, ग्रेट, बहुत खूबसूरत गाना गाया। अच्छा मेरा बहुत और मजा आया, आपने जिस तरह से इतने दिल से गाना गाया, बहुत अंदाज बहुत खूबसूरत था, डिलीवरी और गाने का अंदाज, आपके तासरात भी बड़े अच्छे थे। आप भी गाने को बड़ा महव हो के, बड़ा इंटरेस्ट के साथ सुन रही थी, जो कि जो बंदा फील करता है ना वही सुन सकता है इस तरह से। बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है। ये नोरीन बेग, उनका उनका उनकी कलेक्शन में से उन्होंने डिजाइन किया था मेरे लिए। ठीक है, तो आप खुद सिलेक्ट करती हैं जो ड्रेसेस आप अपने लिए पिक करती हैं, या आप किसी कोई और आपके लिए सिलेक्ट करता है, डिजाइनर्स या कोई आपका पर्सनल ऐसा? कभी कभी डिजाइनर्स की, लेकिन मैं जैसे मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीला मुर्तजा, उन्होंने फिल्म की वार्डरोब की और स्टाइलिंग की, फिल्मबाजी की, तो अदरवाइज वो डिसाइड करती हैं क्या पहनना है, मेकअप कहाँ से होगा, लुक क्या होगी, मेकअप किस तरह से होगा। तो वो एक्चुअली हमारी स्टाइलिस्ट हैं अनीला मुर्तजा के, जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। अच्छा मीरा, आप माशाल्लाह से, अब देखिए आप यहाँ पर आई हैं, आपका आपकी लुक ही फ़र्क है, आपकी मतलब अंदाज ही फ़र्क है। आप फिल्म में जाती हैं, आपका लिबास भी, मेकअप भी, वो लगता है एक और मीरा है, ये एक और मीरा है। आप किसी और जगह पर मौजूद होती हैं वहाँ पर एक और, इतने सारे शेड्स में से असल रियल कौन है? अगर हम किसी अचानक मीरा के घर चले जाएँ तो मीरा हमें कैसे मिलेगी? मेरे ख्याल में जो एक रियल एक्टर, अगर आप आपका जो करियर है या आपकी जो आपकी एक्टिंग, बिकॉज मेरी जो शुरुआत, मेरा जो वो, मैं एक्टर हूँ, जाहिर है, ऑब्वियस,
सबसे पहले मैं एक एक्टर हूँ, तो एक्टर की कोई अपनी शक्ल नहीं होती, उसको मुख्तलिफ रूप मिलते हैं, कभी ये कैरेक्टर है, कभी ये किरदार है, तो आई थिंक उन किरदारों में और अपनी शख्सियत को संभाल कर रखना, अपनी पर्सनालिटी को और अपनी अदा को, मेरे ख्याल में मेरी अपनी जो मैं इस वक्त आपके सामने हूँ ये रियल है. एग्जैक्टली ठीक है. और जो मैं किरदार जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो वो भी रियल होता है. लोग समझते हैं कि वो एक्टिंग है, वो एक्टिंग नहीं. एक्चुअली में हम वो किरदार को जीते हैं, उस कहानी को हम जी कर, यानी अपनी उसको अपनी ज़िंदगी देकर उसको परफॉर्म करते हैं. तो वो किरदार झूठा नहीं हो सकता. ठीक है. वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में असर छोड़ता है. वो किरदार कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके वजूद में, आपके अंदर चला जाता है. सही. आपके खून में चला जाता है. अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की, किरदार निभाया, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस किरदार को कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में वो किरदार कहीं ना कहीं ज़िंदगी में है. ठीक है. और वो है. ठीक है. जैसे बाजी का जो किरदार है, हाँ. बाजी की जो कहानी है, तो मुझसे कई लोगों ने इंटरव्यूज़ पूछा कि आपने बाजी के में जो किरदार कैसे निभाया, मुश्किल था. तो मैंने सबसे ये कहा कि मैंने बाजी के किरदार को जिया है, मैंने शमीरा के कैरेक्टर में अपने आप को देखा है. शमीरा यानी जो आपका कैरेक्टर है उसी का नाम बाजी नहीं, है? बाजी एक्चुअली बाजी जो है फिल्म का नाम है. अच्छा. और बाजी एक टाइटल रोल है जो कि मैं एक जो मैं प्ले कर रही हूँ, लेकिन फिल्म के अंदर मेरा नाम शमीरा है. ठीक है. और नेहा मुझे जो दूसरा कैरेक्टर है, नेहा मुझे बहुत प्यार से बाजी कहती है फिल्म में. ठीक है. इसका दो बहनों की कहानी है कि बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी. कहानी बहुत, इससे पहले मैं सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगी कि इससे पहले इस तरह की कहानी, इस तरह की फिल्म पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बनी. ठीक. तो ये पाकिस्तान के हिसाब से इसलिए एक अछूती और मुनफरिद कहानी है, और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक एक कहानी. अच्छा, आमना इलियास है जो कि आपकी छोटी बहन, नेहा आप कह रही हैं जो नाम है, और उस्मान भट्ट. कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब यंगस्टर्स, अपकमिंग टैलेंट, नए हीरो हीरोइन हमारे, कैसा लगा? आमना इलियास बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा काम किया, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, प्यार करने वाली, चीज़ों को समझने वाली, और बहुत अच्छी तरह से समझाने वाली. वाह. और अंडरस्टैंडिंग लड़की है. ठीक है. और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. वेरी गुड. और हम बहुत अच्छा हमारे ये फिल्म में ही दोस्ती हुई. फिल्मी दोस्ती मेरे ख्याल में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम किरदारों को सिर्फ फिल्म में वो कैरेक्टर्स नहीं थे, एक्चुअली वो से बात करते हैं और एक दूसरे को अटेंड करते हैं. तो मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग आपकी एस्टैब्लिश हो जाएगा. अंडरस्टैंड आप एक दूसरे को, आप एक दूसरे को, आई थिंक वही हमें हर अपने किसी किरदार से या अपने चाहने वालों से या सामने वालों से या जिनके साथ हम काम करते हैं, हमें सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग का वो कि जहाँ पर हम क्या बात है यार, इतनी तारीफ मैंने किसी को अपने साथ को स्टार्ट की करते हुए नहीं सुना जितनी के मीरा अपने साथ को स्टार्ट की करी, विच इज अमेजिंग. सो हम इसे अप्रिशिएट करना चाहिए. टेकिंग द लीड फ्रॉम हेयर कि बहुत सारे लोगों ने आपके साथ काम किया. मीरा आपने तो फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम किया कि कम ही लोगों ने इतना किया होगा. आप एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, तो बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया. अब उन सबकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, सबकी तो नहीं दिखा सकते, उनमें से चंद की. और जैसे आपने आमना के बारे में खुल के अपनी राय का इजहार किया, तो वी वुड लव टू नो दीज पीपल फ्रॉम मीराज पॉइंट ऑफ व्यू कि मीरा इन लोगों को कैसा पाया, कैसा देखा, कैसा रिलेशनशिप, हाउ विल यू एक्सप्लेन देम. सो पहले मीरा के पहले कंपेनियन, साथी, दोस्त कौन है? सबसे पहली तस्वीर जो यहाँ पर हम देखेंगे, ओ बाबर अली बहुत ही टैलेंटेड, समझदार और अपने आप में रहने वाले, और अपने किरदार के साथ इंसाफ
अपने काम के साथ इंसाफ किया इन्होंने हमेशा. इनके साथ मेरी एक फिल्म थी खोए हो तुम कहाँ, हाँ बहुत मशहूर हिट फिल्म. जी हाँ, एक और फिल्म थी बाजीगर. तो बहुत सारी फिल्मों में हमने एक साथ में काम किया, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खुददार और गैरतमंद और बहुत ही अच्छे. अभी इन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आप माशाल्लाह अभी तक हमें नजर आती हैं हर जगह, फिल्म भी आ रही है, दो फिल्म्स आ रही हैं, जो कमाल बात है कि मीरा के साथ जिन लोगों ने काम किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई भी ऐसा है जिसकी दो फिल्म्स आ रही हूँ. हियर शी इज के अभी तक इन अभी तक छाई नहीं है. अच्छा, तो क्या मशवरा बाबर को भी देंगी, सबको एक एक आपने ना एक अपनी तरफ से एक मशवरा भी देना है. मैं बाबर अली उनको ये मशवरा दूंगी कि वो लीड पर